सारे हरामी है, इतना अच्छा काम किए हैं उस हरामी को पैदा करके, उसकी माँ ने पैदा किया, हमने पैदा किया, पूरा कुल को लजा दिए है इसने। वो सिलेंडर ना दे के बच्चे जो बेरोजगार है उनको रोजगारी करते, एक सिलेंडर दिए हैं 1000 रुपया की, हम कहा तो 2000 की होंगे, उसने 10 हजार की, यानी लाखों करोड़ों को जिंदगी बर्बाद किए है। बर्बाद कैसे? हाँ बर्बाद ऐसे हुए है, वो लालच में उसके गैस की लोगों ने लिए तो गैस फ्री में मिल रहा है, फ्री में अब जो 250 रुपया में गैस सिलेंडर हमने देखा है, अब 900 में 1000 में गैस सिलेंडर बिक्री तो होते है, दूध को लजाती है। वो तो कहते फकीर है, फकीर है कहाँ की फकीर, पूरा झूठे इतना भी सच होते हैं तो हमने सरकार को वोट दिया है, बड़ी खुश से दिया है क्योंकि अटल जी के जमाना में जो थे थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो हमने मोदी जी को वोट दिया, सोचे थे ये कुछ करेंगे मगर इसने जो किया है 70 साल में सबने गड्ढा खुदे है, इसने उसमें लाशों को दफन की के गड्ढा को मूंदे है, उसमें लाशों को दफन करके उनने गड्ढा बंद किया है। मोदी जी के पीछे गुस्सा ऐसे है, देखो जाके बुजुर्ग बेचारे बिस्तर में मरते पड़े हैं, हमारी घर में है, हमारी पिता समझे कोई समझे पड़े हुए है, साला कोई बहन नहीं है, घर में साथ नहीं है, रोज लालच देते हैं हम तुम्हें वो देंगे जे देंगे, किसी को देखा है कि निकाल के। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी ने तो और उससे भी आगे, वो तो योगी है, वो तो रोज वो कश्मीर में वैष्णो माता में वो अपनी तप करेंगे कि हमारे सबको देखेंगे। तो आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ? हमारे क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा जी, पर मोदी जी कह रहे हैं विकास हो रहा है, अब देखना चाहो हमारी प्रॉपर्टी निगोह की हम आए, अब जाके देखो मेरे जहाँ पर हम रह रहे उस गलियों में आप जाके देखो, अब पैर नहीं रख पाओगे। मेरे नाम श्रीमती प्रभा देवी कुशवाहा। आप प्रभा देवी जी कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से। कोई संगठन भी है आपका किसान आंदोलन में है आप? हम खाली एक साधारण कार्यकर्ता है, कोई पद नहीं मेरे पास है, हम केवल संपित है इस किसान यूनियन से, मेरे को मतलब दिल से तहे दिल से मेरे किसान हैं आप? हाँ हम किसान हैं। कितनी आप पर? एक एकड़ है। एक एकड़ है तो इस बार MSP मिली गेहूँ की? जो मिले हैं मोदी जी ने दिए हैं वो हमको आपको क्या बताए, उससे तो इतना खुश हुए है, आप देखिए ना 2000 की लालच दे के पब्लिक को मार रहे हैं। हाँ अब पहले जब वोट लेने आए तब ये बताएं जो कि नए युवा पीढ़ियों को नौकरी देंगे, जे करेंगे वो करेंगे, कितने नौकरी मिले बच्चों को आप बताइए। अच्छी रही है सरकार? अच्छी, इतना अच्छी है बता तो रहा है, लाशों को दफन करे है उसमें, गड्ढा जितने गड्ढा है लाशों से भरे है। और लोग पसंद क्यों करते हैं फिर सर? कोई नहीं पसंद, जब किया है तब किया है, आप कोई नहीं पसंद करते हैं। अब आप कह रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं देंगे, किसको दोगे फिर वोट? देखा जाएंगे वो समय आएंगे बताएंगे। आंटी हाँ? आप रेडियो सुनती हैं? हाँ तो सुनती हैं। मन की बात सुनती हैं मोदी जी की? हाँ मन की बात हम उस हरामी को टीवी देखते हैं बंद कर देते हैं, और सुनोगे मेरे से? किसको? मोदी की, दुनिया को समाचार सुनेंगे उसके देखते हैं, वो मन की बात ना, वो तो अपनी बात करते हैं, उसके अपनी मन की है, आपका सुना है आप मीडिया वाले हो किसी माँ की बेटा हो, मीडिया वाले आप बने हो, किसी माँ की बेटा है आप, दिल से अपनी दिमाग से पूछिए, दिल से पूछिए जिन्होंने करा क्या। आंटी आपके जो जैसे बेटे हैं ना बेटी हैं जो यंग है युवा पीढ़ी है हाँ? वो ये कहती है हर हर मोदी घर घर मोदी मोदी हर मोदी ने। हाँ जब कहा था तब आप जाके सुनो क्या कहते हैं? कहते हैं मोदी हैं मजबूत प्रधानमंत्री। ऐसे मजबूत है उसने बीवी को छोड़ दिया है, माँ बूढ़ी है वो पड़े है, वो अपनी करोड़ों को देश बहने हैं, जो आप कुछ करो तो उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। बताइए आप महिला हैं गांव में बैठती होंगी हाँ? क्या कहती हैं महिलाएं अब सरकार के प्रति? महिलाएं जो कहते हैं भैया हमारी जुबान तो थोड़ा बहुत सुनी लिया है देहाती भाषा में, इससे भी गंदी जुबान मत कहते हैं। हाँ लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, ऐसे खत्म उसने क्या किया है? उसने क्या किया है? उसने सबको अपने हाथ में लिया, बेच के बस अपना पूंजीपति बना गए, पूंजीपतियों को साथ दिया गरीबों को साथ नहीं दिया। सरकार कह रही है जो हम सामान जो बेच रहे निजीकरण कर रहे हैं उससे अच्छी सुविधा मिले, काहे की सुविधा मिले वो बताया क्या? क्या सुविधा है इसमें? रेल में सुविधा बढ़ी है, सुविधाएं पहले 100 रुपया में किराए में बम्बई पहुँच जाते थे, अब 1000 रुपया में
शाहजहाँपुर से निगोई नहीं आ पाए, शाहजहाँपुर से दिल्ली नहीं आ पाए रहे, जो सुविधा करते है उसने रेल में सुविधा। बॉर्डर पे आई है, क्या कहोगी सरकार से? सरकार से वही जो आपसे कहा है वही कहेंगे। क्या कानून वापस हुए? हाँ कानून वापस चाहिए, हमारी चीज हमारी हक है, हमारी कानून वापस ले, उनसे हमारी कोई वो नहीं है, वो हमारी कोई निजी बुराई तो है नहीं, सामाजिक बुराई है। अगर सरकार ने वापस कानून बनाए, स्वामीनाथन नहीं करे, नहीं करे तो फिर आगे देखा जाएंगे, जो हमारी ऊपर जो हमारी पीछे वाले कहेंगे वही करेंगे। हमारी आंटी जी नेता वो कहते हैं कि मोदी से पाकिस्तान भी थर्राता है, मजबूत प्रधानमंत्री है, दुनिया में डंका बजता है। पाकिस्तान थर्राता होंगे, हिंदुस्तान नहीं थर्राता।